गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज दुबई में मेरा लास्ट डे है एंड आज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग करने जाने वाला हूँ, जैसे लुइस विटॉन, डियोर, शनेल एंड गुची। मैंने गुची दो दिन पहले ही ले लिया था एक शूज, लेकिन आज बैग एंड कैप्स और बहुत कुछ लेना है। तो लास्ट डे सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग होने वाली है, देखते हैं क्या क्या मैं लेने वाला हूँ। लुइस विटॉन से गुची, प्राडा एंड जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं उनसे लेने वाला हूँ। देखते हैं गाइस कितने का शॉपिंग आज लास्ट डे मैं करता हूँ, क्योंकि रात में आज मेरी फ्लाइट है 1 बजे एंड पूरा दिन है। तो अभी दुबई मॉल के लिए निकल रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 11 एंड इंडिया में बज रहे हैं 1:30। फाइनली लुइस विटॉन शॉप में आ चुके हैं एंड ये मेरे फेवरेट शूज है। तो अभी मैं यहाँ से गाइस बात करने वाला हूँ कितने का और परचेस कर, और बहुत एक्सपेंसिव ये LV के शूज है, 3,578 लाख रुपीज के। सो गाइस ये है लुइस विटॉन का टी शर्ट जो अभी हम लोग चेंजिंग रूम में चेंज करने वाले हैं। एंड ये 4,000 दिराम, 5,000 समथिंग, 3,000-4,000, ये भी 3,000-4,000 एंड ये भी 4,000, मतलब एक एक जो टी शर्ट है 70,000, 75, 85, 90। तो मैंने इसमें से ये मुझे पसंद आया एंड एक शूज़ मैंने लिया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा शूज़ कैसा होने वाला। शूज़ भी बहुत प्यारा है एंड गुची भी जा रहे हैं अभी, क्योंकि लास्ट डे है तो सबसे अच्छी शॉपिंग करना है मुझे। और मेरा आउटफिट ये है आज का वाला है, ये कैसा है आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ये 85,000 का है, LV का, बहुत अच्छा है ये। आपको कैसा लग रहा है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे समझ में। मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, दोनों लेना है यार, लिटरली मैं कन्फ्यूज़ हूँ क्या लूँ, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया एक टी शर्ट एंड एक शूज़ जो मैंने आपको दिखाया था, और बाकी के यहाँ पे भी और शूज़ देख सकते हो, ये भी नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव शूज़ है, मैं क्या बताऊँ आपको। फाइनली गुची स्टोर में आ चुका है एंड ये गुची के पूरे साइड बैग्स है। ये 2 लाख का है, ये 1,90,000 का है, ये ब्लैक है और ये क्लासिकल कलर है। तो अभी गुची के स्टोर में आ चुके हैं और डिसाइड करते कौन सा मुझे बैग लेना है एंड चलते हैं यहाँ से भी। फाइनली मेरी बिलिंग हो रही है जो मैंने साइड बैग लिया है गुची का, यहाँ पे देख सकते हो, और चलते हैं। फाइनली गुची का मैंने ले लिया परचेस, ये गाइस मेरा बिल आ चुका है एंड अभी यहाँ से निकलते हैं स्टोर से, बहुत एक्सपेंसिव इसमें आइटम्स है। फाइनली गुची और लुइस विटॉन सब बाय कर लिया एंड ये एरिया आप देख सकते हो दुबई मॉल में, इधर सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, पूरा बाय कर लिया और थक गया हूँ। अभी गाइस पैकिंग हो चुकी है, रात हो चुका है दुबई में एंड मेरा फ्लाइट है 3 घंटे के बाद। पूरा सब पैकिंग वैकिंग डन है, 2 बैग्स 4 बैग्स है, फिर कैरी बैग है मेरे पास। तो अभी टाइम हो चुका है, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ फ्लाइट के लिए जो है मेरा एयर इंडिया का फ्लाइट। देखते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है बिजनेस क्लास एयर इंडिया। 4 बैग है और निकलते हैं, लेट होने वाला है इस फटाफट। इंडिया आ रहे हैं हम वापस, पूरा पैक्ड हो गया एंड आज लिटरली सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग की है। मैंने लुइस विटॉन नहीं लिया था अभी तक। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ हैदराबाद में एंड अभी आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैंने लिटरली सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग की है अभी तक का। लुइस विटॉन एंड गुची मैंने लिटरली अभी तक नहीं लिया था क्योंकि ये एक्सपेंसिव ब्रांड है। यहाँ पे एक टी शर्ट ही 1 लाख का मिलता है, शू 2-3 लाख का मिलता है। सो फाइनली लिटरली हम लोगों ने देख सकते यहाँ पे इतने ज्यादा लुइस विटॉन और गुची के ड्रेसेस बाय किए हैं एंड क्या क्या बाय किया है अभी एक एक करके ओपन करके मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या मैंने लिया है। एंड यहाँ पे भी कुछ एक्सपेंसिव चीजेस लिए है दुबई से ही, तो कल मेरा लास्ट डे था दुबई में एंड दुबई से सब कुछ लाया एंड मॉर्निंग में आज मैं पहुंचा और सुबह में मैं सो गया था और अभी रात में उठा हूँ। सो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं एंड ये रहा हमारा प्याला आयुषु, गाइस देख सकते हो बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव हो चुका है। तो अभी इसको खेलने देते हैं, भाई जा आयुषु खेल ले, मेरे पैर के साथ नहीं खेलना है। चलो गाइस तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यहाँ से कुछ चीजों की। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले मेरे वॉच की जो मैं लिया हूँ, वर्साचे का रोज गोल्ड, बहुत ही प्यारा वॉच है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे हाथ में, मैंने दिखाया नहीं था, किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने लिया है। तो ये है मेरा वर्साचे का गाइस रोज गोल्ड वॉच, चलो मैं ओपन करता हूँ एंड ये देखो ये है गाइस वॉच वर्साचे का। ये लिटरली बहुत ही प्यारा मेरे को लगा था एंड आपको कैसे लगा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरा पहला परचेस है, ये भी 3 लाख अबो है, 3-4, 3.5 लाख का कुछ वॉच है ये। तो ये पहला परचेस एंड नेक्स्ट परचेस गाइस लिटरली बहुत एक्सपेंसिव है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये है प्योर डायमंड का गाइस, मैंने हाथ में पहना था मेरे बर्थडे में, देखा होगा, ये मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया था समथिंग 4 लाख का, ये भी गिफ्ट किया है गाइस यही मंथ। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है यार, लिटरली मैं भी क्या बताऊँ इसको,
इसको भी रख देते हैं साइड में। एंड अभी मैं दिखाने वाला हूं दुबई से मैंने क्या क्या परचेस किया। ये तो मैंने इंडिया में ये मंथ परचेस किया था, दुबई से मैंने क्या किया। ये स्नीकर्स देख रहे हो, ये स्नीकर्स थोड़े गंदे हो गए, ठीक है गाइस, गंदे हो जाते हैं। मतलब ये बहुत 1.4 लाख के स्नीकर्स है, ये गंदे हो जाते हैं, अब इनको साफ करना पड़ता है। अब साफ करने के लिए मैंने ये किट परचेस किया है, ये अनलिमिटेड स्नीकर केयर किट होता है, दुबई में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, कम जगहों पे मिलता है इंडिया में, लेकिन दुबई में बहुत मिलता है। इससे जो मेरे पास स्नीकर्स है ना बहुत रेयर रेयर, उनको क्लीन कर सकता हूं मैं और 2-3 साल तक चला सकता हूं। ऐसा नहीं कि एक बार चलाया और फिर खराब हो गए। तो ये मैंने दुबई से परचेस किया फर्स्ट। एंड यहाँ पे आईसी मस्त था मुझे, तो यहाँ पे लॉजिटेक का एक माउस मैंने परचेस किया है गाइस, ये वाला बहुत ही प्यारा लगा मुझे, क्योंकि इसके बटन्स देख सकते हो सर्कल सर्कल है। एंड मुझे, मेरे पास ऐसा कुछ माउस कीबोर्ड नहीं था, तो ये कीबोर्ड एंड सेम मैचिंग मैचिंग माउस परचेस किया है, देख सकते हो छोटा सा माउस दिख रहा है, बेबी माउस। तो ये मैंने दुबई से परचेस किया है। तो ये हो गए छोटे मोटे आइटम्स जो परचेस हुए। ये मोमोस कुरल ने मुझे गुच्ची का दिया था वॉलेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी चलते हैं हम लोग गुची लुइस विटॉन एंड ये सब के अनबॉक्सिंग पे। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करने वाले हैं गाइस इधर आईसी पोलार बियर को नहीं नहीं, हम करेंगे अनबॉक्स अपना पहला गुची का शू। सो पुट इट हियर, इसको इधर रख देता हूँ। एंड ये शू मुझे पड़ा था गाइस 90-95 1 लाख का, मेरा अपने स्टोरी में देखा था जो धीरज भाई ने बनाया था दुबई में परसों। तो ये शू चलो ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एंड कुछ पैकिंग ऐसी रहती है इसमें, चलो इसको नीचे रख देते। एक कवर देखो भी चाहिए, आईसी शूज पहनना है लगता है, आईसी को भी शूज पहनना है। देखो देखो गाइस आईसी भी आ गया शूज के लिए, नहीं आईसी है मेरे शूज है। यहाँ पे देखो गाइस पैकिंग कैसा रहता है इनका, लिटरली अमेजिंग पैकिंग होता है। दो शूज निकाल लेते हैं एंड इनके साथ अंदर क्या क्या दिया है, गुची के कार्ड्स है, ये दिए गए हैं, अब मेरे काम के तो आएंगे नहीं, चलो इसको भी साइड में रखते हैं हम। अभी गुची के शूज अनबॉक्स करते हैं। क्या हुआ आईसी, तू जा खेल ले, तू मेरे बूम बूम कर देगी यहाँ पे मेरे सामान पे। चलो गाइस ये रहा शूज, ये हमारे गुची के शूज, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा शू है, लिटरली ये मेरा गुची का शू 95,000 है, 1 लाख का मुझे पड़ा था। और मुझे ये शूज, मुझे एक ही शूज लेना था बट क्या करे, एक और शूज पसंद आ गया। तो ये पहला गुची का शूज जो हमने बाय किया है गुची के स्टोर से। एंड चलो आपको पहन के भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है, जब आप पहन, मैं पहनूंगा तो मेरे पे कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ बस गाइस, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करके दिखाई देता हूँ आपको, ये गुची के शू बहुत कम्फी है, ठीक है। एंड ये देखो कुछ ऐसे दिखते हैं जब मैं पहनूंगा, देख रहे गाइस कुछ ऐसा अमेजिंग। इधर एक गुची का लोगो है जो सबसे फेवरेट लोगो है मेरा, यहाँ पे देखो गुची का लोगो इसके अंदर है, बहुत ही प्यारा है। सो ये अपना पहला शूज, इसको अंदर कर देते हैं, अभी मुझे कोई पहनने का मन नहीं है शूज, ना बाहर ले जाने का मन है। अगला अभी मैं आइटम जो निकालने वाला हूँ जो मैंने परचेस किया है वो भी गुची का ही है। एंड ये है एक साइड बैग, ठीक है, और ये गुची का नया कलेक्शन है, जो गुची का जैसे ऐसे होते हैं ना सारे, ये है क्लासिकल, सदियों से चल रहा है। एंड ये गुची ने नया कलेक्शन निकाला है आईसी, पता है तेरे को, चल दिखाता हूँ तेरे को भी। सो इनका बॉक्स ये ऐसे खुलेगा, मेरे नीचे आईसी छुपा हुआ है। चलो ये रहा बॉक्स एंड इसमें है हमारा न्यू हैंडबैग जो मुझे चाहिए था गुची का। सो दिस वन गाइस न्यू कलेक्शन गुची का, कैसा बताओ, ब्लैक, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगता है। सो ये वाला साइड बैग है, मैंने ये भी परचेस कर लिया क्योंकि मुझे ये भी चाहिए था। कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ ये परचेस कैसा लगा, एंड लिटरली मैं लास्ट में बताऊंगा टोटल कितने रुपए का ये टोटल परचेस हुआ है जो मैंने किया है दुबई में, लास्ट दिन सबसे एक्सपेंसिव होने वाला है। जो मैं निकालने वाला हूँ वो है लुइस विटॉन, लुइस विटॉन अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव परचेस होने वाला है मेरा। आईसी रिया का काट रही है पैर कोई ना, ये है गाइस दो परचेस किया है मैंने लुइस विटॉन के आज, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, फर्स्ट टाइम बाय किया लुइस विटॉन। मैं लुइस विटॉन बाय नहीं करता था, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और गुची ही बाय करता था मैं। तो चलो लुइस विटॉन फाइनली बाय कर लिया है तो आपको दिखाना तो बनता है यार। तो ये रहा इसका ओपन करने का, खोलते हैं, ये रहा मेरा बिल और ये सब इसमें है, सब आपको दिखाऊंगा। गुची के भी मेरे पास बिल है,
पूरे प्राइस के साथ कितना हुआ है आपको पूरा दिखाऊंगा। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और लुइस विटॉन के अंदर मेरे पास एक शूज है, ठीक है, शूज है, देख लो। आईसी आईसी रिया का पैर काट रही है गाइस, कोई ना कोई ना। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो शूज लुइस विटॉन का, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है मेरा शू। ओ माय गॉड, सबसे एक्सपेंसिव सबसे कमाल के शूज, आ जाओ दिखाता हूँ आपको। एंड ये देख सकते हो लिटरली LV लुइस विटॉन। मेरा दिल आ गया था जूता देख के यार, मैं सोचा ये जूता लेके ही रहेंगे। और मैंने दो दिन के बाद, एक दिन गुची लिया, दो दिन के बाद लास्ट डे था, तो मेरा LV गुची, दो LV के आइटम लिए, एक गुची का, दो गुची के आइटम लिए। तो ये है मेरा अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव शूज़। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहनने का भी मन नहीं है लिटरली, मुझे पता नहीं है पहनूंगा भी नहीं पहनूंगा या शो के लिए रख लूंगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया लुइस विटॉन में, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया था, ये फर्स्ट मेरा शॉपिंग है लुइस विटॉन का। एंड अब मुझे आदत लग गई है, एंड फाइनली अगर नेक्स्ट टाइम दुबई में जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ भी जा रहा हूँ दुबई, सो अगर वहां पे जाएंगे तो हम कुछ भी आलतू फालतू शॉपिंग नहीं करेंगे, ओनली अगर हमको शॉपिंग करना है सो विल गो टू लुइस विटॉन गुची डियोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, अभी लास्ट एक आइटम बचा हुआ है वो भी लुइस विटॉन का ही है, तो इसको अंदर पैक कर देते हैं। एंड नेक्स्ट चीज इज लुइस विटॉन का अभी तक का मेरा सबसे एक्सपेंसिव टी शर्ट, ठीक है। ये टी शर्ट कितने का आता है, सारा का मैंने पहना हुआ है, मैक्स टू मैक्स 10,000 का एक टी शर्ट रहता है, बट दिस वन इज कॉस्ट 89,000 का टी शर्ट है, मतलब 90,000 टैक्स लगा के आप सोच सकते हो, 90,000 का टी शर्ट है। सो लेट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा टी शर्ट है। सो यहाँ से ओपन करना है शायद, मुझे पता नहीं है गाइस, आई डोंट नो। हाँ यहाँ से ओपन करना है इनको, लुइस विटॉन के इस बैग को टी शर्ट वाले, और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं सही ओपन कर रहा हूँ या खराब, बट खोलते हैं धीरे धीरे, या मैं सही खोलता हूँ फर्स्ट टाइम, बट सही खोल रहा हूँ। चलो 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 चलो, या खुल गया गाइस, चलो। ओह ये है मेरे फेवरेट, मुझे अच्छे लगे क्योंकि ये मैच हो रहे हैं मेरे शूज से। एंड ये देख सकते हो LV, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टी शर्ट जो मेरे क्लोसेट में रहेगी। अभी आपको मेरा क्लोसेट रिवील नहीं किया हूँ, क्लोसेट देखोगे तो आपके दिमाग चकरा जाएगा, इतने मेरे पास ड्रेसेस है, इतने शूज है, 29 शूज है और बहुत सारे ड्रेसेस है। आप लोग बोलोगे क्या क्लोसेट है भाई, जन्नत है जन्नत। तो ये वाला मेरा सबसे एक्सपेंसिव अभी तक का टी शर्ट होने वाला, कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर ही रख देता हूँ संभाल के। एंड गाइज ये टोटल कितने का हुआ मैं आपको लिटरली रफली बता दूं, तो ये देखो टैक्स फ्री भी मेरे को मिला था गुची पे, 5% वैट लगता है ना, तो उसका फ्री भी मेरे को मिला था गुची से। ये पूरे उसके बिल्स, एंड ये रहा लुई विटॉन का बिल यहाँ पे, नहीं ये बिल नहीं है, इसके अंदर सॉक्स है, ठीक है, सॉक्स का वो है स्ट्रिप। तो ये सब मिला के टोटल हमने शॉपिंग किया है दिस मंथ दुबई में अप्रॉक्स ये चार, इसमें से दो तीन आइटम, 9 to 10 lakh या 12 lakh के आसपास टोटल ये चार हुए, मतलब तीन शूज, दो शूज, एक बैग, एक ड्रेस, यही सब सिर्फ हुए गाइस 12 lakh के। तो अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग हुआ है मेरा ये दुबई में। सो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड 2 million लाइक कर दे।